ये स्टीम्ड मटन खाते हुए मुझे अपना क्वेटा वाला ट्रिप याद आता है। अरे इतना बड़ा बड़ा मीट का पीस पूरा स्टीम हुआ हुआ मसालों के साथ, फुल अन्नी पादो प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, छुपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरे साथ है असद, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बंटी और छुपैक, क्या मुंह पे एल्फी लगाई हुई है? अच्छा आज हम लोग क्या, हाँ जी आप कुछ कहने लगे? अच्छा एक सस्ता आदमी जो होता है ना वो हमेशा सस्ता रहता है, लेकिन वो कभी महंगा भी हो जाता है। दिखाओ ये आज हमारे असद साहब महंगे हो गए, मतलब अब तो हमारा दोस्त ही रहेगा। क्यों नहीं भाईजान, मैंने आप लोगों से इंस्पायर हो गए, आपसे जवाब भाई से। हम सादा लोग क्यों मोबाइल रखने वाले, ये हमें आईफोन 12 प्रो मैक्स दिखा के। हमारे पास सादा डंडे वाला कैमरा, तेरे पास भाई? हमारे पास ये एक डंडे वाला कैमरा है, तेरे पास तीन कैमरे, हमारे पास एक तीन कैमरे। अच्छा ये इनके साथ कैमरा इनकी तरफ कर दूं, इन्हें लगता है छुपैक गैंग का व्लॉग चल रहा है जबकि मेन चैनल चल रहा है। आज हम लोग लाहौर में खाने के लिए निकले हैं। एक तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार लाहौर में एक बारबेक्यू है जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही खाया है। वो किसने बताया, पता नहीं किसने बताया, किसी ने बताया कि वो जो एक बारबेक्यू है बड़ा मज़ेदार है फलाना ढिमकाना। पहली दफ़ा हम लोग गए वहाँ पे, बड़ा मज़े का बारबेक्यू था। आज दोबारा देखते हैं वहाँ जाके कि कैसा बारबेक्यू होता है। और आज की हमारी दूसरी चीज़ होगी एक मटन, स्टीम मटन के पीसेस बड़े बड़े। फिलहाल निकलते हैं ज़रा, आज हमने दो ही चीज़ें खानी है लेकिन दोनों चीज़ें लीथल हैं। आज का हमारा पहला स्पॉट जो है वो है स्टीम मटन, मटन के बड़े बड़े। अब तुम नीचे हो तो मैं, सबसे पहले तो ये स्टीम मटन की खासियत वगैरह सब बाद में बताते हैं। अब स्टीम मटन अगर आपने खाना है तो उसका एड्रेस मुझे समझाओ। इसका नहर पे सीधा आते जाए आप तो बीजिंग अंडर पास जो है ना, जो नया बना है उसके आपने नीचे से नहीं जाना, उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे रहना है। आगे जाएंगे फाटक आ जाएगा, फाटक को भी क्रॉस कर लेना और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है शाही डेरा मेन रोड पे बोर्ड ब्लू कलर का, उधर से लेफ्ट अंदर आ जाना शाही डेरा में। अंदर आते तो फिर ये सामने जो है ना एक स्टॉल लगा हुआ है, ये शाही डेरा जो है ये बीजिंग अंडरपास के ऊपर है। तो आप लोग शाही डेरा सर्च कर लेना गूगल मैप पे बीजिंग अंडरपास के ऊपर, उसके अंदर ही ये जो है वो सामने अंधेरी जगह जो है ये दीवार खत्म होती है, इसके उस साइड पे वो सामने एक स्टॉल लगा हुआ है, ग्रिफिन जॉइंट्स इसका नाम है। सिर्फ एक छोटा सा उस बंदे का ठेला टाइप है और सामने टेबल लगाए हुए बैठने के लिए। वो जो है एक बड़ा सा स्टील का बॉक्स है जिसके अंदर वो मटन के जॉइंट्स रखता है और उसके अंदर वो स्टीम होती रहती है। तो ऑर्डर आता है तो वो स्टीम फिर बीच में से निकलता है पीस, तो वो इतनी देर सारा स्टीम चलता रहता है। एक दफ़ा, दो तीन दफ़ा, बल्कि तीन दफ़ा की चार दफ़ा पहले भी खा चुका हूँ। वो इस तरह उठाते हैं मटन और ऐसे मज़ेदार किस्म का मटन वाला भाई जो है ये वो मोरो मोरो के और हड्डी उड्डियों के जोड़ भी चढ़ा देता है जॉइंट भी, बाकी नाम मटन जॉइंट। जड़ी भाई पहले खाया हुआ कैसा लगा? बहुत मज़े का। असद ने आज पहली दफ़ा खाया, लेकिन नहीं मज़ेदार ये रहा है ही नहीं। अब आज की एपिसोड की सबसे खास बात ये लिखा हुआ जी, छुपैक गैंग भाई की नई मर्चेंडाइज। यहाँ पे देखें छुपैक गैंग की स्पेलिंग, तो ये क्या चाहते हैं आप? ये मुझे तो सीधा लग रहा है ना, तो वो इस तरह देखो भाई, ये जवाब मैंने अपने लिए बनाई है, ये एक शॉट है, पूरी सीधा नजर है, कपक्ष लग रहा है। अच्छा ये देखो ये किसे, पूरे पाकिस्तान में एक शॉट है, ये इसको खुद को छुपैक नजर है और वो लिए स्पेशल बनवाई है, वो है डिफेक्टेड पीस। अच्छा ये देखो ये लिखा हुआ है छुपैक सीधा, उस पे वो छुपैक इस तरह उल्टी स्क्रीन हो गई है। अभी खाएं, पहले बड़ी भूख लगी हुई है, मजेदार किस्म का। सामने हैवी सीन चल रहा है, मटन के पीस निकालता है प्लेटों में जाते हैं आगे, अभी खाते हैं दबेड़ू प्रोग्राम। नहीं चीजें तो बड़ी लगाई है, शरबत लगाया है, मछली लगाई है, दिल की लगाई है, ओ भाई तो दो मटन लाते सामने, उस बाद चार मटन भाई होर भी लाते भी गर्दन है तो पुट है जे, चल 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 स्पीड मारो, उस तो बाद पैक कर, पुटदा पुटदा नहीं नहीं वो इस एरिया में बहुत लो लाइट है जिसकी वजह से ये लाइट बिल्कुल ऊपर है, आधा मुंह मेरा आपको नज़र नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। यहाँ पे हमारे पास ग्रिफिन का स्टीम मटन आ चुका है, इसमें चार टोटल पीसेज हैं क्योंकि चार बंदे हैं। दो हमारे पास जो है वो पुट के पीसेज हैं और दो गर्दन के पीसेज हैं, वैसे इसके पास मछली का पीस भी होता है, वो आ जाए नहीं मछली। तो अभी ये ठंडा हो जाए और उससे पहले सख्त हो जाए मैं इसको खाता हूँ। ऐसे बिल्कुल टेंडर मीट, नरम, मतलब आपने मटन को इस तरह उठाना है और मटन ने वहीं पर फुल आपके हाथ में भजन, वो भी कहा था पोटे, ओह शदीद ही मज़ेदार यार। इस बंदे का ये स्टीम्ड मटन इतना मज़ेदार है, मतलब वो एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर वो उसने ये रखे होते हैं,
सारे अलग अलग पीस, हर पैकेट के अंदर एक पीस होता है और वो सारे मिक्स करके उस बड़े से वो स्टील का डब्बा है उसमें रखा होता है और बीच में हल्की सी आग चल रही होती है तो ये स्टीम होता रहता है जितनी देर भी पड़ा रहता है। और टेस्ट इंतहाई मज़ेदार, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले लगे हुए हैं या आपको सिर्फ मसालों का टेस्ट आ रहा है, प्रॉपर ऑथेंटिक जो मीट का टेस्ट होता है वो आपको फील होता है बड़े ही हल्के से मसालों के साथ। जो बात साहब पूरा उड़ा चुके हैं ये, तू भी खत्म है अपना पहले। मेरा पूरा पीस ये चेक करो, मेरा ये मेरा भी पूरा पड़ा हुआ है और ये असद का है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ और कुछ भी नहीं बच चुका। असद साहब क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? मैं आपके प्लेट से थोड़ा सा और हिस्सा चाहता हूँ। नहीं वो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दे सकता, वो तुम जितना मर्जी चालो। साथ में हम लोगों ने मंगवाए हैं पोटे, कितने पोटे मंगवाए हैं? दर्जन। अब पोटा अगर घर में किसी भी मतलब सालन में बनाओ तो वो नहीं खाया जाता, बड़ा सख्त होता है वो, कोई शौकीन लोगों तो खाएं। ये जो स्टीम्ड पोटा है इसको गया, इतना नरम पोटा, ओह मज़ेदार, इस पर मसाला ज़्यादा। कोई भी पोटा उठाओ और ऐसे यूं काटकर खाओ, सिर्फ दांत में, सिर्फ उसको दांत में फंसाना है और वो टूट जाता है इजीली। इंतहाई मज़ेदार ये स्टीम्ड मटन खाते हुए मुझे अपना क्वेटा वाला ट्रिप याद आता है। इतना बड़ा बड़ा मीट का पीस पूरा स्टीम हुआ हुआ मसालों के साथ, फुल नहीं पाओ तो प्रॉब्लम। असद साहब आपने पहली दफ़ा खाया ये भाई? मैंने पहली कैसा लगा? मैं कहता हूँ कमाल भाई जान, इससे ज़्यादा टाइट मटन डिश मैंने नहीं खाई है। स्टीम्ड मतलब कोई स्टीम्ड रोस्ट ज़रा मज़ेदार, वो पूरी पूरी लैम्ब सब्जी में बकरा सब्जी में पहले ये चीज़ मिलती है, लेकिन एक अलग पीस इतना ज़्यादा आपको फुल टेंडर नरम और सही मसालों में बना हुआ अंदर तक। ओए होए जब आया ना तू इतना बड़ा, मैं कहा यार ये तो नहीं खाया जाएगा, मैं बंटी का भी खा गया। हाँ डेढ़ मिनट लगाया इसने, लगाया तो मैंने एक मिनट और 25 सेकंड है, लेकिन चलो कोई गल नहीं। जितनी मर्जी बड़ी बाइट ले लो ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में मीट को रुकना पड़ रहा है, वो सीन नहीं है। सीधी तिलक के तू नहीं के साथ ओरिजिनल ऐसे मीट का जो टेस्ट, मीट का जो टेस्ट है वो है। एक पोटा और साथ में मटन मिक्स करके खाते हैं। ओह कमाल टेस्ट है, मतलब आपको ऐसे फ्लेवर्स फील होते हैं। अगर कोई वाकई ऑथेंटिक मटन का टेस्ट का जो है मीट के टेस्ट का शौकीन है तो ये बेस्ट चीज़ है आपको। यार इसको ना ये पसंद बहुत ज़्यादा आ गया है मुझे, बहुत ठीक है ना, इसलिए तरीफों पे तरीफें किए जा रहा है, लेकिन सच्ची बात है कि है भी बहुत वेरी गुड। और इसका इसका, इसका 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 जो पहला एक असूल है ना, अच्छा इसके साथ ये मसाला भी है, ये जो फ्राइड ऊपर लगा होता है उसका मसाला है। अच्छा आगे इसका पहला असूल ये होता है कि जब खाने के दरमियान में मैं ना बोलूँ ना तो समझ जाया करेंगे बहुत अच्छा। बिल्कुल इसको समझ नहीं लग रही कि ये खाए पहले या व्लॉग करे पहले पेट पूजा कर लूं। पहले मैंने वीडियो लगाई खड़ा है, एक बाइट ली उसके बाद मैंने खाया, फिर मैं कहने लगा कि अब तेरे मुझे पता तेरी गंदी नजर मेरी इस पे है भाई, तुम खा लो ये थोड़ा सा ले ले ताकि मेरा पेट ना खराब हो। ओके ओके थोड़ा ही है, बहुत ही टाइम साइड पे रखना था ना, बहुत ही टाइम और ले ले, चिल्टड़े उतार के दे रहा है। नहीं यार पूरी बोटी दी है कि नहीं दी है? हां ऐसे ना कर दी है वो अलग बात है, तुमने नया आईफोन ले लिया तू बड़ा आदमी हो गया। अच्छा भाई बंटी ने ये पहली दफ़ा खाया ना जब कोई 6-7 महीने हुए हैं शायद, इतना ही टाइम हुआ है सर्दी, ये इस सर्दियों की बात है, तो हम तीनों के साथ ऐसे ही होता है कोई भी नई चीज़ दरियाफ्त करके है ना, वो बाकी दो को तो मैंने ये खाया ओए खुश हो, और अगर वो पक्की नहीं गलाए तो मोर लग जाती है। इसने आके बताया कि ऐसे ऐसे एक मटन है, मैं कहा जा जा इतना होता तो हमें ना पता होता, इतना बड़ा पीस गिट जितना कहता, इतना बड़ा पीस स्टीम मटन ये वो, मैं कहा भाई होता तो मुझे जब आपको पता होता, ये हमने खाया। खैर भाई इससे हमने एड्रेस वगैरह पूछा, इसने साथ ही आना था मेरी गंदी गुंदी करने के बाद। हाँ इसकी हमने की बाबा, फिर हमने कहा चल बता सही है किधर, इसने बताया मैं और जवाब आए, पहली दफ़ा तू साथ नहीं ना आया, नहीं, 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 नहीं था आके खाया भाई, यकीन ही ना हो कि ये इतनी मज़ेदार चीज़ हमें पता ही नहीं हिडन ट्रेजर्स ऑफ लाहौर। हाँ इसने जब बताया हमने जब आके खाया उसके बाद मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भेजी यहीं से, मैं भाई क्या वो लाजमी भेजी अगर इसके पास पड़ी हुई तो मैं लगाऊंगा, बहुत आला चीज़ है। जेडी भाई लोग पूछना चाहते हैं कि ये जो हमने खाया ये एक पीस कितने का है पर पीस बताना? ये 700 का, 700 और जो पोटा एक है ना वो 20 रुपीज़। हाँ एक पोटा 20 का, एक पीस 700 का, तो जब हमने पहले वो खाया 600 का था ना, ये 6 महीने में अगले ने 100 रुपया चुक दी गेम। अच्छा लेकिन ठीक है मैं देता हूँ, रुक जाते हैं देता हूँ, ये अगर 600 या 700 ठीक है, 700 रुपये के अंदर पैसे आपके शदीद पूरे, इतना बड़ा पीस 700 में मटन का वो कमाल हो जाती है बंदे की। बंटी ने वो रिकॉर्डिंग ढूंढ ली है, झूठ नहीं बोल रहा ये रिकॉर्डिंग है ये जो पहली दफा मैंने खाया। हम तो भाई
एक दफा तो हुए बैठे हैं कि ये था क्या, मुंह के अंदर जाते ही मलाई। कमाल यार, बड़ी कमाल यार, बड़ी कमाल यार। ये भी आपको जवाब साहब खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अभी यहाँ से कुछ आएगा। पकड़ ले इसको, पकड़ ले। ये लग नहीं रहा कि ये जॉइंट मटन के थे, ये कुछ और ही लग रहा है कि ये किसी और के खोतों वाली हरकतें कर रहे हैं, दुलतिया मार रहे हैं। ये वाकई नहीं लग रहा भाई, ये जॉइंट मटन के थे, हरकतें खोतों वाली चालू हुई। हम अपने सेकंड स्पॉट की तरफ रवाना दवाएं, और वो जवाब साहब कहाँ पे है? अभी हम बीजिंग अंडरपास से निकले, वो कहाँ पे? यार वो है गुलशन रावी के पास। गुलशन रावी के पास, मतलब इधर से वो एक कोना ही बनता है। हाँ, लाहौर चबूरजी के पास। हाँ, मतलब यहाँ से हमने तकरीबन अभी कोई 35-40 मिनट सफर करना है, 35-40 मिनट यहाँ से। इतना तो नहीं, मतलब रश हो तो फिर 2 घंटे भी लग जाते हैं। वैसे है अच्छा खासा, जो लाहौर के लोग हैं उन्हें पता लगेगा। कैसा लगता है आपको मेरा चैनल? अच्छा लगता है। भूख लगती है फिर देख के? नहीं। अच्छा ठीक है, ओके टाटा। हम लोग पहुंच चुके हैं जी बाबू कराची कबाब पराठा। जवाब साहब जगह समझाओ, लेके आप आए हो रास्ते से। यार ये मुल्तान रोड से आपने आना है, आप आ रहे हैं मुल्तान टूवर्ड्स चबूरजी। चबूरजी की तरफ जब आप आएंगे तो रावी, गुलशन रावी वाला चौक छोड़ के उससे अगला जो इशारा आएगा ना, वहाँ से आपने छोटी सी गली अंदर हो जाना है। पुल क्रॉस करने के बाद साथ ही आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है। हमें यही बिल्कुल समझ आ गया। ये अभी जवाब साहब ने अपनी एनर्जी वेस्ट की है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लोकेशन का। यार मतलब लोगों के लिए इजी हो जाएगा, मैं गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब किसी को नहीं डाला ना बीच में तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो बाबू कराची कबाब पराठा जो है, ये सिर्फ नाम से कराची वाला नहीं है, ये खाने में भी, इसके टेस्ट में, इसकी चीज़ों में वो आपको वाइब कंप्लीट आती है। मैं पहले ये बारबेक्यू खा चुका हूँ, आप ही खाओगे तो वो फुल मज़ा आपको आएगा। अब इसके ऊपर इन्होंने फुल माहौल लगाया हुआ है, दो चाचे बैठे हैं, फुल गप्पे शप्पे, जिस तरह आपको वाइब आती है कि हाँ आप किसी देसी बारबेक्यू को खाने के लिए आए हो। सामने बड़ी बड़ी सीखें चल रही हैं, एक तरफ वो जो है वो पूरी पराठे बन रहे हैं, एक तरफ तवा लगा हुआ है, बड़ा हैवी माहौल है। अभी चेक करते हैं इनका बारबेक्यू। बेटा हमने ये दुकान खोली है कराची, बाबू कराची को पराठे के नाम से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का गोला करम है। यहाँ मलाई बूटी, अपना धागे वाला कबाब, गोला कबाब और चिकन टिक्के, चिकन पीस, चिकन प्यारी, मलाई बूटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा, ये इसमें अल्लाह का, हमारे माँ बाप की दुआएं, ये हमारे माँ बाप की दी हुई रेसिपी है। और ये चटनी, इमली की चटनी होती है, इसके साथ पूरी पराठा होता है, कराची वाली आइटमें हैं सारी, और चिकन बिहारी वगैरह, अरबी पीस वगैरह, सारी चीज़ होती है हमारे पास। तो कितना अर्सा हो गया इसको? इस दुकान को 20 साल हो गए हैं। ऐसे हमारा खाने पीने का काम 100 साल का है माशाल्लाह। अब माँ बाप की दुआओं से हम ये सारे खाने पीने के काम कर रहे हैं। यार एक ही की मसला है यार, मुझे गाड़ी है रसीदी करा। ये क्या चीज़ है भाई जान? बिहारी बोटी। बिहारी बोटी ये मेरे उस्ताद की भी लेनी है। अच्छा, ये क्या बन रहा है? चिकन जलफेजी। चिकन जलफेजी, हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या होता है यहाँ पे तवे में? तवा पीस होता है, कबाब मसाला होता है, चिकन कबाब मसाला, बिहारी बोटी मसाला, वाइट आंडी, अचारी आंडी। सही है, मतलब बारबेक्यू वाली चीज़ें तवे पे भी हो जाती है। हाँ जी, टिका कढ़ाई होती है स्पेशल। बहुत ये पराठा पूरी पूरी पराठा जी है, यही तेल जो है। तैयार भाई जान, सॉरी। क्या हुआ? पहले बात तूने कहा दोबारा जो हादसा, मेरी वीडियो के चक्कर में अभी जाते थे, एक आवाज़ दे चुका था मैं, कहा दोबारा देते। एक आपने करना है ये बीफ कबाब, ठीक है? बीफ कबाब हाफ, और हाफ बिहारी बोटी, हाफ गोला कबाब। धागा भी हो गया, बीफ भी हो गया, बिहारी भी करवा लिया, गोला भी करा लिया उसमें। एक मलाई कर लो। हाफ मलाई बोटी, हाँ पूरी पराठे साथ में। अच्छा भाई, यहाँ पे बारबेक्यू का ऑर्डर देखिए, ये पीछे जो है जवाब, पीछे बोर्ड पे नाम पड़ी क्या है? इखलाक भाई। इखलाक भाई का भी बारबेक्यू है यहाँ पे, बड़ा चलता है। इखलाक भाई के पास मैंने पराठे, वो बन रहे थे पराठों में तिक्के शिक्के डाल के बना रहे थे, वो जाके देखा है। तो वो कराची वाली पूरी इस एरिया के अंदर आके लगता ही है कराची। अभी बंडी क्या कर रहा? कराची वाली भाई के परली गली में पाकोला मिल्क वाला लगता है। लगता नहीं, अब हम ढूंढने आ जाएगी। तो यहाँ पे आके लगता ही है कि भाई जिस तरह ये कराची के अंदर फिर रहे हैं, और ये अगली गली में वो पकोला जो हमने पिया था वो होगा। तो ये पीछे में क्या, उनके पास अच्छे से वो पराठा रोल बना रहे थे, एक ऑर्डर में कर रहे हूँ, और पराठा रोल हमारे पास ये आ भी गया फुल कराची स्टाइल के अंदर। एक इनके
पास वो छोटी सी चटनी है खट्टी वाली, साथ में रहते हैं और साथ में पराठा रोल पड़ा हुआ। ये आया जी पराठा रोल, एक एक बाइट हम सब इसकी लेंगे। देखने में मज़ेदार लग रहा है बनता हुआ। मैंने देखा है सिर्फ मेयोनीज डालते हैं बीच में, अपनी नमकीन वाली जो वो खट्टी वाली केचप, वो खट्टी वाली चटनी है वो डालते हैं, प्याज डालते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। मज़ेदार यार, ताज़े चिकन पराठा। यहाँ पे भी जो हमने बारबी की ऑर्डर किया उसके साथ जिस तरह पूरी पराठा मिलेगा वही वाला टेस्ट है। कराची का जो पराठा रोल होता है वो बहुत और चीज़ होती है, वैसा नहीं है लेकिन मज़ेदार है। हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, हमने मंगवाई है मलाई बोटी, बीफ कबाब, साथ में बिहारी बोटी और साथ में गोला कबाब। अब गोला कबाब के ऊपर वो पूरे कबाब ही हैं सीख कबाब टाइप, उनके ऊपर वो धागे से लपेटा होता है, आपने उस धागे को खोल के जो है फिर खाना होता है। साथ में पूरी पराठा बड़ी, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। आप बारबेक्यू के साथ पूरी पराठा उठा दी इसे खेंचो जेडी। बड़े जतन करने पड़ते हैं इस कबाब को खोलने के लिए, तो हम ये करते हैं कि पहले सबके धागा निकाल के साइड पे कर देते हैं। ये सारे धागे निकालने का फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली फिर जो है ना वो नवाला बना के इसको खा सकते हो, वो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। पहली बाइट पूरी पराठा, साथ में गोला कबाब, बीफ का कबाब है और साथ में खट्टी चटनी। ओए होए हैवी मिक्सर। इनकी मलाई बोटी लास्ट टाइम मुझे अच्छी नहीं लगी थी, आज भी मलाई बोटी देख के जो है वो इतनी ख़ास नहीं लग रही, खा के चेक करता था। स्टिल आज भी मलाई बोटी अच्छी नहीं है, क्यों? मलाई बोटी ज़रा और तरह की इनकी बड़ी है। हाँ नहीं भाई, बहुत इनकी मलाई बोटी आप खा रहे हो एक अजीब सा वो मसाला बीच में आता है, वो लगता है थोड़ी कच्ची कच्ची सी है, कीमा बन जाता है, पता नहीं अजीब। अब मैं खाने लगा हूँ बीफ कबाब, देखने में बड़ा ड्राई है, बारबी की ज़रा शाइनी सा अच्छा लगता है। मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार। लेकिन यार इनकी जो मेन स्पेशलिटीज हैं वो है बिहारी बोटी और गोला कबाब, ये मज़ेदार है। अगर बीफ कबाब आपने खाना है अच्छा है, लेकिन बिहारी बोटी और गोला कबाब दो चीज़ें हैं जो बेहतरीन है। ये आ गई बिहारी बोटी, ये भी बीफ है। हाँ ऐसे आपको एक बोनलेस टिक्का टाइप आता है बीफ का, और ऊपर जो बिहारी बोटी अगर आपने खाई भी है तो बिहारी बोटी की स्पेशलिटी होती है उसमें मसाले की एक लेयर होती है पूरी, बड़ा माइल्ड सा मसाला होता है और वो आपके मुंह में जाके घुल जाता है। ये एक लेवल है बारबेक्यू का वाकई में। असद क्या चीज़ सबसे मज़ेदार लगी? बेहतरीन ये गोला कबाब, गोला कबाब और बिहारी बोटी, ये दो चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे आके आप ये दो चीज़ें ट्राई करना, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। आप अगर यहाँ पे आके, और बारबेक्यू इनका ओवरऑल बड़ा मज़े का है, लेकिन ये दो चीज़ें इनकी स्पेशलिटी है जिसको खा के आपको फील होगा कि कोई नस्ली बारबेक्यू आपने खाया है। पहले मैंने इतना जंबो किस्म का मटन पीस खाया है, अभी मैं बस आखिरी बाइट लगाने लगाऊँ, ज़रा लीथल सी चेक करो। ये बाइट भाई ने लगाई है पूरी पराठा, बिहारी बोटी, गोला कबाब और खट्टी चटनी। तीन चार गाड़ियाँ इनका ही मज़ेदार। असद साहब ने लिया नया फ़ोन, असद साहब कहते हैं कि मैं देता हूँ दावत में, क्या ठीक है? मतलब दावत तो बाद में होगी, ऐसे ही होगी ना, पेंडिंग है ना? पेंडिंग है, अभी सिर्फ अभी सिर्फ डिज़र्ट के लिए आए हैं। तो हम लोग आए हैं स्वीट अफेयर्स बाय सानिया वकार पे। स्वीट अफेयर्स जब मैं लाहौर आया था नया नया 2016 में, तो ये लाहौर के बड़े अर्ली कैफेज़ में से 2015 में मेरा ख्याल खुला था। तो शुरू में इस कैफे पे इतना आया मैंने, मत मार दी इसकी, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ बदला ही नहीं, कोई नई चीज़ की नहीं, फिर दोबारा आना बंद कर दिया। अभी तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद दोबारा चक्कर लगाए सिर्फ इसके लिए। ये मुझे इनकी सबसे मज़ेदार एक ये चीज़ और एक स्किले कुकी, ये अगर आपने ट्राई करनी हो तो इसका नाम है क्रंची संडे जिलाटो। इंतहाई मज़ेदार चीज़ है, मतलब डिपेंड करता है कि आप आइसक्रीम कौन सी ऐड करा दो। मैंने एक स्कूप लोटस और एक स्कूप न्यूट्रेला का ऐड करवाया। तो बस अभी हम ये चीज़ें खाएंगे और उठ के फिर घर जाएंगे। तो बच्चों ने बड़ा रौला डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दो हमें याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। बच्चे हैप्पी बर्थडे लगे में इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा सही तरह। तो वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक और मस्त सब्सक्राइब।